फाइनली इमिग्रेशन क्लियर होगी, बहुत ही क्विकली हुई, बहुत ही शॉर्ट टाइम लगा। और अभी हम तेहरान में सॉरी ईरान की बॉर्डर हमने चेक पोस्ट सब कुछ FIA क्लियर कर ली है। और वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, अभी मेरे बैक साइड पे ये बोर्ड लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, क्या कहते हैं, बहुत ही क्विक इमिग्रेशन थी, चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा क्विकली सर्व कर रहे थे, कोई गर्मी भी थी तो किसी को इंतज़ार नहीं करने दिया, बस क्विकली हर काम चल रहा था। मेरे ख्याल से टोटल पाकिस्तानी चेक पॉइंट से यहाँ तक टोटल 20 मिनट्स लिए होंगे सब काम में। 20 मिनट्स नॉट अ बिग टाइम, क्योंकि आपने इसमें वॉक भी करना होता है काफ़ी। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्होंने खुश आमदीद कहा ईरानियन ने। तो होप्स हो कि आगे का ट्रिप भी अच्छा रहेगा। फाइनली हम चेक पॉइंट से बाहर आ चुके हैं और अभी बाई रोड हम जा रहे हैं जैदान की तरफ। साबिर भाई हमें मिले हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर मास्टर कर रहे हैं, और रियली इट वाज रियली वंडरफुल टू नाइस टॉक विद हिम। और साबिर भाई अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तकरीबन इस्लामी यूनिवर्सिटी में 40वें नंबर पर है, जो पूरी दुनिया के नौजवान उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। चले, बहुत अच्छा लगा साबिर भाई आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकर। और साबिर भाई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पिछले लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे हैं, बैचलर भी किया, अभी मास्टर कर रहे हैं, और हमें भी बहुत हेल्प आउट हुई क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो था ही, और इजीली हमने टैक्सी बुक की, 4 बंदे, साबिर भाई की फैमिली भी उनके साथ है। और हम अभी जा रहे हैं जैदान की तरफ, वहाँ से फिर इंशाल्लाह तेहरान की तरफ जाएंगे। और वो बहुत ही मतलब खुशगवार रहे, मैं आपको थोड़ा रोड का व्यू देता हूँ कि रोड कैसा है, उसके बाद देखते हैं आगे। मेरे राइट साइड पर ये जो फेंसिंग आपको नज़र आ रही है, ये साइड पर पाकिस्तान है और इस साइड पर ईरान। और साबिर भाई से पता चला कि ये लिंक रोड है, ये अभी मेन रोड नहीं है। तो बहुत ही मतलब स्मूथ है, बहुत ही सफ़र आरामदेह है, और टैक्सी ने भी एसी लगाया हुआ है, तो मतलब बहुत ही अभी जल्दी से हमें मिली, तो जैसे ही हम अड्डे पे पहुंचे तो वहाँ से फ़ौरन हमें बस मिल गई, तो तैयार, और हम बैठ गए। हमने कहा कि चलो जाते हैं, 1400 किलोमीटर का रास्ता है, 1400 से ऊपर का, और तकरीबन 14-15 घंटे लगेंगे इसके हम तेहरान पहुंचने में। तो अभी हम रवाना हुए, इंशाल्लाह कल सुबह तक, ये लोग कहते हैं 8 बजे तक हम पहुँच जाएँगे। और बाकी है कि बॉर्डर पे से यहाँ पर आने में तकरीबन कुछ घंटा लगा है, 120 किलोमीटर घंटा लगा, हाईवे टाइप बना, लेकिन बहुत ही स्पेशल टाइप का हाईवे, बहुत ही मज़ा आ जाता है, रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, ख्याल करें कि चेक पॉइंट पे जो चेक पोस्ट है पाकिस्तानी साइड पे, वहाँ पे करेंसी ना चेंज करवाएं, बहुत ही मतलब मैं एक्सपीरियंस हुआ, मेरा बैड हुआ, मैं तो सोचता था कि चलो अपने मुल्क वालों को वो करना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं। बस बरल मेरा आप सबको यही मशवरा होगा कि कोशिश करें कि ख्याल से और करेंसी चेक कर लिया करें, गूगल पे अपडेट रहें और फिर करेंसी चेंज करवाएं। और सेकंड ये कि बहुत अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सीटिंग बड़ी लॉन्ग है, आप देख सकते हैं फुल सीटिंग है, इसमें चार्जिंग पॉइंट भी लगा हुआ है आगे की तरफ, यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और कुछ रिफ्रेशमेंट का भी होगा। बस का इंटीरियर बहुत ही वंडरफुल है, और पर्सनली मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ऐसे फील कर रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं, लाइक घर में सोफे पे बैठा हूँ।
پر ہمارے پاس چارجنگ کے لیے بھی پوائنٹ ہے تو پیکٹ تھا کیا کچھ نہیں کر سکا تو وہ پیکٹ سارا دے دیا تو سر کو پھر میں نے بھی سر کے ساتھ ہیلپ کی مدد کی اور کھایا بہت ہی مزہ آیا لیکن یہ تھا کہ بالکل روزے والی کیفیت چل رہی ہے ہماری پچھلے چار گھنٹے کیونکہ ناشتہ ہم نے نہیں کیا صرف چائے پی تھی ہوٹل میں اور دو پراٹھے گئے تھے اور سفر میں واقعی بھوک زیادہ لگتی ہے واک بھی ہم نے کیا تھوڑی بہت اور اس کے علاوہ کچھ ابھی ہم نے نہیں کھایا اور یہ تقریباً ابھی ٹائم ڈنر کر رہے ہیں یہاں پر راستے میں رکے ہیں کہیں پر اور تیسرا اسٹاپ ہے ہمارا تو ڈنر میں ہم جناب والا یہ چکن بریانی کھا رہے ہیں جس کی پرائز کیا کہتے ہیں 20,000 روپے ہے ایرانین روپے 20,000 روپے تو دیکھیں خرچہ تو ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے اچھا فائنلی ٹرمینل پہ پہنچ چکے ہیں تہران اور ٹرمینل کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ پہ ٹرانسپورٹ ساری ابھی ہم جائیں گے سینٹر سٹی سینٹر وہاں پہ روم بک کریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سم پرچیز کرتے ہیں کیونکہ سم کے بغیر یہاں پر آپ لوکیشن وغیرہ ہم اپنی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو اس کی ایشو رہے گا تو پھر آپ کو اپڈیٹ کر بس اسٹیشن سے ڈائریکٹلی میٹرو کے اندر انٹر ہوتے ہوئے میٹرو کا ویو بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسا ہے
आज़ाद स्क्वायर है, आप देख सकते हैं इसका मोनूमेंट है, ये सेंट्रल व्यू है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। Palace just behind me, and I will show you the inside view of that, and hope so that it will be really interesting. And टेस्टी है।